हेलो फ्रेंड्स, एसएससी की ओर से कांस्टेबल जीडी का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया एग्जाम 2021 वाला, और यह 17 जुलाई से फॉर्म इसका भरा रहा है। अगस्त तक इसका फॉर्म भराएगा, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के आप लोग देख सकते हैं क्या है जानकारी। दोस्तों, जब एग्जाम होना ही है तो उससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन 2018 वाला था उसी को देखेंगे, और उसके लिए जो एग्जाम हुआ था 11 फरवरी को 2019 को, इसी को देखते हैं जो सुबह वाला मॉर्निंग बेच का है। और इसमें हम लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, यानी कि जीके क्वेश्चन, जो कि 25 क्वेश्चन के पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं और किस प्रकार के आए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वह है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। यह है पहला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है पूछ रहा। तो इसका जो उत्तर है वह है फीमर, और यह जांग में पाया जाता है, यह जांग की हड्डी है। रेडियस और अल्ना, ये दोनों हाथ में पाए जाने वाले हड्डी है। और ये जो टीबिया है वह सेकेंड, यानी कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हड्डी है, यह भी आपको याद रखना है। लेकिन इसका जो कह रहा क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है शरीर की, तो वह है फीमर, और यह जांघ की हड्डी है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की खाली स्थान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह फिलिनेबलेंस कह रहा है। तो 2018 के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत का नंबर कितना है, तो उस समय के आधार पर यह 7वें नंबर का। लेकिन अगर वर्तमान में बात करते हैं तो यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उस समय के हिसाब से यह 7वां है। तो यह आपको याद रखना है, अभी 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ वर्ष ब्लैंक में टूटा था, यानी कि कब टूटा था। तो यह इसका राइट आंसर है 1991। इससे पहले यह सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे ही टूट गया तो फिर इसका नाम हो गया रूस, और इसकी राजधानी है मॉस्को, यह भी आपको याद रखना है। रिलेट करते हुए जाना है ताकि एग्जाम में अगर कैसे भी क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग इसको बना सकते हैं। तो सोवियत संघ जो है वह 1991 में टूट करके केवल रूस बन गया था। चौथा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खालिस्तान से निकलती है, यह ब्लैंक है। और इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है अरावली पर्वत, यानी कि अरावली की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और सतपुड़ा श्रेणी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, और यह इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है हमारा नर्मदा नदी। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वह राजस्थान राज्य में है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यह मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है एमपी के, तो वह है हमारा अमरकंटक की पहाड़ियाँ, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बास्तिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जनता के द्वारा बास्टिल जेल पर हमला किया गया था, और इसके बाद में कौन सी घटना शुरू हो गई थी वहाँ पर, या कौन सी घटना का जन्म हो गया था। तो इसका जो उत्तर है वह है फ्रांस की क्रांति, क्योंकि यह जो बास्टिल जेल है वह फ्रांस में है, वो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, आप लोग जानते ही हैं, तो यह भी याद कर लेना। इसके अलावा मैं अगर ऑप्शन दिया हुआ तो सोवियत संघ का विघटन, तो यह तो रूस से संबंधित है, रूसी क्रांति तो नहीं है, और जार का पतन जो कि रूस से ही रिलेटेड है, लेकिन ये जो बास्टिल जेल है वह फ्रांस में है, इसीलिए फ्रांस की क्रांति वाला जो घटना हुआ था उसी का जन्म हुआ था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। यह बायोलॉजी से है, प्लांट से पूछा गया है। तो पत्तियों में जो मौजूद हरा रंग होता है, पत्तियां हरे कलर की दिखाई देती हैं, तो वह किस कारण से दिखाई देती हैं, तो वह क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती है, ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से भी बराबर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा जो है ये उत्तक होता है, साथ साथ जाइलम और फुलम। तो जाइलम जो है वह जड़ से तने की ओर में पत्तों की ओर यह खनिज लवण और जल पहुंचाती हैं, और फ्लोएम जो है वह पौधों में जो बने भोजन होते हैं उसको ये शरीर के जो सब भागों में पहुंचाते हैं, जो पौधे के शरीर होते हैं उसके सभी भागों में फ्लोएम पहुंचाती हैं बने हुए भोजन को। तो इसका जो उत्तर है वह है हमारा क्लोरोफिल, पत्तियों में मौजूद हरा रंग का नाम है क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो यह है आंसर कृषि, और यही है जो पहला प्राथमिक क्षेत्र होता है, उसके बाद में इनका स्थान आता है। लेकिन
भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसी कारण से प्राथमिक क्षेत्र हो गया कृषि, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में फिर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, यानी कि आयरन ओर के बारे में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है क्षेत्र वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान क्षेत्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार क्षेत्र और उड़ीसा, झारखंड क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वह है उड़ीसा, झारखंड क्षेत्र, क्योंकि ये जो है झारखंड हमारा वह रूर प्रदेश कहलाता है, यह खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है यह क्षेत्र। तो उड़ीसा और झारखंड में ही बहुत ज़्यादा मात्रा में लौह अयस्क के क्षेत्र और भंडार पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि है लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। तो यह किसे जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया? तो यह जाना जाता है बुद्ध को। तो बुद्ध को ही, गौतम बुद्ध जो है उसी को हम लोग कहते हैं लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया की ज्योति। यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है वो गांधी जी जो हैं वह राष्ट्रपिता कहलाते हैं, और साथ ही साथ ये जो स्वामी विवेकानंद है ये इन्हीं के जन्मदिवस पर हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार से बुद्ध इसका राइट आंसर है। आपको ये याद रखना है कि लाइट ऑफ एशिया जो है वो बुद्ध को कहा जाता है। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? यह क्वेश्चन है प्रख्यात यानी कि विख्यात रस शास्त्रीय शैली के नृत्य की बात करें। तो इसका जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का फेमस है। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य, कथक जो है उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश में यह नृत्य फेमस है, साथ साथ मोहिनीअट्टम जो है वह केरल का है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अनुसार से इसका राइट आंसर है हमारा भरतनाट्यम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यह भारत देश के बारे में है तो इसमें सबसे छोटा राज्य कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं कह रहा है तो ये क्षेत्रफल के अनुसार कह रहा है, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से यह नहीं कर रहा। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से तो इसका जो राइट आंसर है वह है गोवा। तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं पॉपुलेशन की तो उसमें फिर हो जाता सबसे छोटा सिक्किम, तो यह है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है गोवा। तो भारत का सबसे छोटा राज्य हुआ गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? यह क्वेश्चन है, रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो इसका जो आंसर है वह भी ओलंपिक के खेल में, तो इसका आंसर है पीवी सिंधु। तो यह पीवी सिंधु है जो कि रजत पदक जीती है ओलंपिक में, और यह भी रियो ओलंपिक में जीती है। तो यह आपको याद रखना है कि रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था खेल उसी में ये पदक जीते थे, जो कि 2016 में खेला गया था। इसके अलावा में ये सब सारे भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और पीवी सिंधु भी बैडमिंटन की ही खिलाड़ी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्थल पर 1920 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? यह है क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। तो इसका जो उत्तर है वह है हमारा नागपुर, क्योंकि 1920 वाले जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वह नागपुर में ही किया गया था उस समय इसकी बैठक को। दोस्तों अगर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1885 में, और इसको ए ओ ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो जल्दी से जल्दी और आसानी याद हो जाएगा। यानी 1920 में जो कांग्रेस का बैठक हुआ था वह नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? दोस्तों ये जो श्रीलंका है हमारे पड़ोसी देश, तो वहाँ पर गृह युद्ध हुआ था, लेकिन इसका समापन कब हुआ यानी कि यह समाप्त कब हुआ? तो इसका जो समाप्त हुआ वह 2009 में हुआ है। इससे पहले यहाँ पर गृह युद्ध पूरी तरीके से चल रहा था। अगर हम बात करते हैं तो यह कब से शुरू हुआ था, तो यह 1983 से ही यह शुरू हो गया था वहाँ पर, लेकिन ख़त्म हुआ यह 2009 में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो युद्ध जो खत्म हुआ श्रीलंका में हुआ 2009 में हुआ, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन जेकस एक प्रसिद्ध
ब्लैंक यानी कि खाली स्थान था। तो जीन जेकर्स जो था वह क्या था, चित्रकार, चिंतक, सम्राट, चिकित्सक, इसमें से जो है वह इसका राइट आंसर है चिंतक। तो यह एक फिलोसोफर थे जीन जेकर्स, इनका पूरा नाम था जीन जेकर्स रूसो। तो रूसो अगर कहेंगे तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते, तो वह एक चिंतक थे। और इनका जो जन्म हुआ था वह जेनेवा में हुआ था, जेनेवा में, यह भी आपको याद रखना है कि रूसो का जन्म जो हुआ था वो जेनेवा में हुआ था। तो जीन जेकर्स एक प्रसिद्ध चिंतक थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो लावणी कौन से राज्य का एक लोक नृत्य का प्रकार है। यह जो लावणी है वह निम्न में से कौन से राज्य का एक लोक नृत्य का प्रकार है, तो इसका जो उत्तर है वह है महाराष्ट्र। तो यह महाराष्ट्र में फेमस है लावणी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगर हम बात करते हैं बिहार की तो बिहार में छऊ नृत्य प्रसिद्ध है। गुजरात में बात करते हैं तो गरबा और डांडिया ये फेमस है। और साथ साथ अगर राजस्थान की लोक नृत्य की बात करते हैं तो यहाँ पर घूमर होता है जो कि फेमस है। तो लावणी जो है वह महाराष्ट्र राज्य का फेमस लोक नृत्य का प्रकार है, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वह है खालिस्तान यानी कि ब्लैंक। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, तो शांति का प्रतीक के रूप में हम लोग जानते हैं कबूतर को, तो कबूतर यहाँ पे भर आएगा। तो कबूतर एक पक्षी है जो कि शांति का प्रतीक है, यह आप जानते हैं, इसको जानना है और याद भी करना है। दोस्तों ये जो कबूतर है इसके द्वारा हम लोग लेटर भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, यह संदेश वाहक के रूप में भी इसका कार्य होता था। तो यह इसका राइट आंसर है कबूतर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड है यह ह्यूमन बॉडी का, तो इसका जो आंसर है हिस्सा नहीं है कह रहा है, तो ये लार ग्रंथि जो है वह अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। बाद बाकी जो एड्रिनल ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, पिनियल ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर है हमारा लार ग्रंथि, जो कि मुंह में पाया जाता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो लार ग्रंथि सबसे पहले काम करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइ न्यूट्रल एसिड और डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, यह ऑप्शन दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो यह है और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर दो है। अगला जो क्वेश्चन है आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पित्रा ड्यूरा निम्नलिखित में किस स्मारक में पाई जाती है। पित्रा ड्यूरा जो है वह एक तकनीक है जिसमें से पत्थर के छोटे छोटे कटिंग वाले पत्थर, जो डिजाइनदार किए हुए पत्थर थे, उनको एक साथ में जोड़ के बनाते हैं। तो ये जो पित्रा ड्यूरा है वह निम्न में से कौन सा स्मारक में पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ आपको ताजमहल, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है ताजमहल। तो ताजमहल में यह हमारा पित्रा ड्यूरा वाला जो है वह तकनीक पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है हमारा वह है ताजमहल, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नमक का रासायनिक नाम क्या है। नमक जो कि हम लोग खाने में यूज करते हैं, तो नमक, तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन के हिसाब से हुआ है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला आता है NaCl। तो यह नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर इसका डी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी का पूर्ण अर्थ होता है जीएसटी। ऑप्शन दिया हुआ है ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और गुड्स एंड सेल्स टैक्स, यह है। तो इसका जो उत्तर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यह है इसका आंसर जीएसटी का फुल फॉर्म, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि यह जो है कब लागू हुआ है भारत में, तो वह लागू हुआ है 2017 में। तो यह 2017 में इसका लागू हुआ है भारत में। और यह भी अगर बात करें कितना तारीख को, तो यह हुआ है 17 जुलाई को, यह 17 जुलाई को लागू हुआ है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वह जीएसटी का फुल फॉर्म है या पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय कौन है। तो इंग्लिश चैनल जो है उसको तैर करके पार करने वाली पहली भारतीय कौन है,
ऑप्शन दिया हुआ है सानिया मिर्जा, शिखा टंडन, शिवानी कटारिया और आरती साहा। तो इसका जो आंसर हुआ है आरती साहा। आपको ये याद रखना है, यही है जो कि इंग्लिश चैनल को तैर करके पार करने वाले पहली भारतीय। इनका जन्म जो हुआ था वह बंगाल में हुआ था और ये एक तैराक थी, तो इन्होंने ही इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक एक बुक है इंडिया 2020, यह पुस्तक का नाम है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया, यह क्वेश्चन पूछ रहा ब्लैंक है। APJ अब्दुल कलाम, प्रसून जोशी, रामनाथ कोविंद और प्रणब मुखर्जी। तो यह ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो उत्तर है यानी कि इंडिया 2020 बुक के लेखक जो है वह है APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था वह तमिलनाडु में हुआ था, तो यह भी, और इन्हीं को हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, यह मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट भी रहे हैं। तो पुस्तक जो बुक है इंडिया 2020 उसके जो लेखक हैं वह हैं APJ अब्दुल कलाम, जो कि पहले नंबर पर है यहाँ पे ऑप्शन में। दोस्तों प्रसून जोशी एक गीतकार हैं, रामनाथ कोविंद अभी वर्तमान के राष्ट्रपति हैं भारत के, और प्रणब मुखर्जी जो हैं वह भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। और इनके द्वारा एक लिखा गया बुक है द कोलिजन ईयर्स, यह बुक का नाम है इनका। लेकिन इंडिया 2020 बुक के जो लेखक हुआ है APJ अब्दुल कलाम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है, तो देखते हैं उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह है कौन सा कथन सही है, यह कह रहा है। ऑप्शन दिया, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा करने का अधिकार देता है, सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है और लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए भुगतान का आदेश देता है। तो ये जो चार ऑप्शन है, लेकिन यह जो है कौन सा कथन सही कह रहा है, तो इसका जो कथन सही है वह है लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, क्योंकि हम लोग वोट देते हैं, फिर वोट देने के बाद में ही हमारी सरकार बनती है, तो यह अपने प्रतिनिधियों को, अपने मनपसंद प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, जो कि 2018 में हुआ था, 2018 वाला जो एग्जाम था उसी का है, लेकिन इसका जो एग्जाम डेट था वह 2019 में था, ये मैंने आप लोगों को भी बता दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़ के जाइए ताकि आप लोग आसानी से बना सकते हैं।